हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। रविवार को अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी, गुरु गोरखनाथ और महंत अवैधनाथ की पूजा अर्चना। सीएम योगी ने धनवंतरी जयंती पर प्रदेश वासियों को दी शुभकामनाएं, कहा झिझक छोड़कर आयुर्वेद चिकित्सक करें लोगों का इलाज, प्रदेश सरकार है उनके साथ। डॉक्टर के बैंक अकाउंट से नेट बैंकिंग के माध्यम से 10 लाख का फ्रॉड करने वाले 3 अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्थे, एसएसपी ने कहा कि बैंक के एक कर्मचारी की भूमिका भी संदिग्ध। एक दिया जलाकर सीएम योगी ने देश के शहीदों को किया याद, देशभक्ति गीतों पर मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बच्चों की सराहना। एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में 50,000 का इनामी नीतीश सिंह गिरफ्तार, 32 बोर का पिस्टल, 2 किलो 370 ग्राम चरस बरामद। जिला पंचायत सभागार में राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मेसिस्ट के निदेशक का हुआ स्वागत, पुरानी चिकित्सा पद्धति की खोई प्रतिष्ठा वापस लाने पर हुई चर्चा। ओला कार की लूट की घटना का पुलिस ने किया खुलासा, 4 अभियुक्त गिरफ्तार, एसएसपी ने किया खुलासा। जिलाधिकारी ने वार्ड नंबर 18 मोहदीपुर आरकेबीके के सामने कॉलोनियों और विद्युत कॉलोनियों की सफाई व्यवस्था का किया निरीक्षण, कहा सफाई व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। यातायात विभाग द्वारा मनाया जा रहा है यातायात माह, लोगों को दी जा रही है ट्रैफिक नियमों की जानकारी। 6 नवंबर की नरक चतुर्दशी के घोषित स्थानीय अवकाश को जिलाधिकारी ने किया निरस्त, छठ पूजा पर्व पर 13 नवंबर को घोषित किया स्थानीय अवकाश। श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा के तत्वावधान में बालक बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए आयोजित हुई खेल कूद कला सामान्य ज्ञान और निबंध प्रतियोगिता, सभी वर्गों के बालक बालिकाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। धनतेरस और दिवाली पर्व पर कुछ मार्गों पर रहेगा रूट डायवर्जन, एसपी ट्रैफिक ने दी जानकारी। समाज में हिस्सेदारी को लेकर भारतीय वेलदार जन जागरण महासभा ने किया बैठक, रैली की बनाई रणनीति। विभिन्न मांगों को लेकर बहुजन क्रांति मोर्चा ने जेल भरो आंदोलन के तहत दी प्रतीकात्मक गिरफ्तारी। हर्षोल्लास के साथ निकली सूर्यकुंड धाम परिसर से भव्य कलश शोभा यात्रा, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने के लिए की गई मन्नतें। और रॉयल उद्यान एकेडमी की 62 रनों से हराकर आतिफ क्रिकेट एकेडमी बनी संस्कृत टी20 टूर्नामेंट की विजेता।